नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपकी साथ चंद्रमोहन। आज 9वें दिन भी पटना नगर निगम के अंदर दैनिक मजदूरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल का प्रभाव पटना शहर के अंदर गली मोहल्लों में कितना है, ये जानने के लिए आज हम पटना की सड़कों पर उतरे हैं। गली मोहल्लों में जाएंगे और वहाँ का जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं कि पटना शहर के अंदर इस हड़ताल का क्या प्रभाव है, गली मोहल्लों के अंदर साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। जायजा लेते हुए इस वक्त हम राजधानी पटना के सबसे पॉश और व्यस्ततम इलाके अशोक राजपथ में पहुंचे हैं। ठीक मेरे पीछे बीएन कॉलेज है, बीएन कॉलेज का ये गेट है और गेट के ठीक सामने कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, कूड़ा जमा है। देखिए तस्वीरें, लोग ऐसे ही आकर यहाँ पे फेंक रहे हैं। गाड़ी खड़ी है नगर निगम की और उस पर भी कूड़ा जमा है। ये तस्वीर पटना शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके की है। आप सोच सकते हैं कि शहर के पॉश इलाके में दैनिक मजदूरों की हड़ताल का क्या प्रभाव है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिंस। कहाँ के रहने वाले? महेंद्रू। महेंद्रू के रहने वाले हैं। ये कब से जमा है यहाँ पे कूड़ा? हो गया 4-5 दिन, एक हफ्ता होने वाला है। एक सप्ताह होने वाला है। हर जगह, ये यहाँ नहीं, आप हर जगह कहीं भी घूम लीजिए पटना में, हर जगह हुआ हुआ है। उस इतने दिक्कत हो रहा है, जाम हो रहा है, प्रदूषण अलग फैल रहा है, बीमारी समझिए तो डेंगू सबसे ज़्यादा फैल रहा है। बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हम सब मेडिकल लाइन में बहुत फैल रहा है। साफ सफाई करने वाले आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? 1% नहीं आ रहा है। आते तो आपको ये दिखता, आपको आप ही देख लीजिए, दिखता ही है, नहीं तो कितने बार आपको दिख जाता है साफ, कहीं हर गली में भी हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, कोई सफाई पे कोई ध्यान ही नहीं हो रहा है। सर करे तो ना कुछ, क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, सरकार को करना चाहिए बात, मैनेज करना चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या उस सबका गरीबी में जो प्रॉब्लम है उसको हल करना चाहिए। अशोक राजपथ से जायजा लेते हुए इस वक्त हम राजधानी पटना के वार्ड नंबर 42 में पहुंचे हैं। चलिए देखते हैं वार्ड के अंदर साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, दैनिक मजदूरों की हड़ताल का आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? झाड़ू लगाने वाले आ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं आ रही है। कितने दिनों से नहीं आ रहे हैं? 4-5 दिन से अभी नहीं आ रही है हड़ताल के कारण। 4-5 दिनों से नहीं आ रही जी। किस तरह की परेशानी आ रही है आप लोगों को? बस ये सब गंदगी उंदगी, या तो थोड़ा सफाई वफाई देखिए हम लोग मिलकर किए हैं अपने से, तो यहाँ पर कचरा लगा हुआ था। यानी खुद से मिलकर आप लोगों ने किया? हाँ, तो अभी तो नहीं, आज तो वो आदमी आया था, कुछ किया है। मोहल्ले के अंदर डेंगू वगैरह का प्रकोप क्या है? अभी तो मच्छर बहुत काट रही है। कितने दिनों से झाड़ू नहीं लगा? कम से कम लगता है हफ्ता भर से ऊपर हो गया झाड़ू नहीं लगा जी। गंदगी फैला हुआ, गंदगी पैसा वैसा फैला हुआ। हम लोग ना सफाइया करवा में मोहल्ला वाले लोग मिल गए तो गली में तो नरक हो जाएगा पूरा, आने जाने वाला का भी तकलीफ होगा। क्या कहेंगे पटना नगर निगम से और जो शहरी विकास मंत्री हैं? हम लोग क्या कहें, जो सरकार जो अभी नीतीश कुमार का है वही लोग जो करवावे, उन लोग का गरीब लोग को तनख्वाह नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, हड़ताल ही ना करेगा। अभी का बीच में पर्व आ रहा है, उन लोग का भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल का प्रभाव है जी। यहाँ साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, जो दैनिक मजदूरों की हड़ताल चल रही है उसका कितना प्रभाव पड़ा है? उसका बहुत प्रभाव पड़ा है, और यहाँ पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, ना हमारा पार्षद आकर यहाँ पर कोई काम करता है, और कैलाश प्रसाद यादव नाम है उनका पार्षद का, उनका कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, ना कोई साफ सफाई है, यहाँ पर पब्लिक नरक में जी रहा है। जायजा लेने के लिए कोई अधिकारी या नगर निगम के कर्मी आए? कोई नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, नहीं आया। वार्ड के अंदर यही हाल, वार्ड के अंदर यही हाल है। ये देखिए हमारे वार्ड 42 है, उधर वार्ड 41 है, ना अर्जुन यादव का भी ध्यान दिए हैं, ना वार्ड कौन सा कैलाश यादव ध्यान दिए। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। डेंगू का प्रकोप क्या है, डेंगू का प्रभाव? तो माता रानी का आशीर्वाद से अभी तो गली में किसी को हुआ नहीं है, भगवान से मनाते भी नहीं है कि गली में कम से कम डेंगू नहीं। फॉगिंग वगैरह होती है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, फॉगिंग भी नहीं होती, कुछ नहीं, कुछ नहीं होती है। अब तो जब से ये नगर निगम वाला हड़ताल हुआ उस सबसे फॉगिंग भी बंद है। वार्ड नंबर 42 से जायजा लेते हुए इस वक्त हम राजधानी पटना के दरियापुर में पहुंचे हैं। ये दरियापुर की तस्वीर है, आप खुद देखकर आकलन कर सकते हैं कि दैनिक मजदूरों की हड़ताल का किस कदर से शहर के अंदर प्रभाव है। यहाँ पे कूड़ों का अंबार जमा हो गया है। ये शहर के सबसे पॉश इलाकों में माना जाता है।
दरियापुर शहर के व्यस्ततम इलाकों में से है और यहाँ भी मुख्य रोड पर साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय है। शहर के अंदर खस्ता हाल है। वार्ड नंबर 42 से जायजा लेते हुए इस वक्त हम राजधानी पटना के व्यस्ततम इलाके दरियापुर में मौजूद हैं। देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे मुख्य सड़क पर कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, कूड़ा जमा है। एक स्थानीय महिला है, इनसे बातचीत करते हैं। कब से यहाँ पे कूड़ा जमा है? जमा है, रोज कूड़े गिरा सर, अच्छा 7 दिन हो गया, 8 दिन। सफाई नहीं हो रही है? ना सफाई नहीं हो रही, कूड़ा से जख पर बदबू देख नहीं रहे सर, देख रहे हैं मजबूर से, बहुत मजबूरी में बैठे हुए, शौचालय चलाएगा कि पब्लिक लोग कहाँ जाएगा सर। हम साफ सफाई में शौचालय धो रहा है और शौचालय मजबूरी में अपना रह। कितनी परेशानी हो रही है? अरे नहीं परेशानी बहुत है, महक बदबू जाता है, बाकी बहुत मजबूरी से रह रहे हैं सर। सरकार से और पटना नगर निगम से क्या कहना चाहेंगे? कहना कि बहुत सार सफाई नहीं हो रहा है, हड़तालों में लोग डूबे हुए पैसा के कारण, पैसा नहीं भूख मर रहा है कि बाल बच्चा लोग कौची खाएगा। देखिए दरियापुर को शहर का सबसे व्यस्ततम भीड़भाड़ वाला इलाका माना जाता है और मुख्य सड़क पर जिस तरह से कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, कूड़ा जमा है, गाय उस कूड़े पर विचरण कर रही है, गाय उस पर लेटी हुई है, आप समझ सकते हैं दैनिक मजदूरों की हड़ताल का प्रभाव इस इलाके में कितना है। जायजा लेने के बाद पता चला कि दैनिक मजदूरों की हड़ताल का पटना शहर के अंदर व्यापक प्रभाव है। कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहां कूड़ों का अंबार नहीं लगा हो, गंदगी नहीं फैली हो। अब देखना होगा कि दैनिक मजदूरों की हड़ताल कब तक खत्म होती है। बहरहाल पटना शहर के अंदर वार्डों के अंदर लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।